हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल, दिस इज फ्रेंड सुमित। और आज मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में क्या कर रहा हूँ? अगर ये सवाल आपको भी है तो आपको बता दो कि आज है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। अगर आप पुणे में हो और अगर आपने रथ यात्रा एक्सप्लोर नहीं की है तो यार आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। जैसे कि आपने गणपति के देखे थे व्लॉग्स मेरे कि गणपति में हर एक पंडाल अपने अपने तरफ से गणपति की अलग अलग झांकियां, अलग अलग रथ निकालता है, उसी प्रकार शिवाजी महाराज के साथ जो घराने थे उन हर एक घराने में से एक रथ बनता है और रथ यात्रा निकलती है जैसे गणपति में होता था। सेम उसी तरह अब हर एक घराने का रथ अपनी अपनी झांकी सजाएगा उस रथ पे और वो एक बड़ी सी रथ यात्रा यहाँ शनिवार वाड़े से होकर गुजरेगी। अभी टाइम पास नहीं करते, चलो आपको ना एक एक झलक दिखा देते क्योंकि बाद में पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि फिलहाल कौन से रथ यहाँ पर लगे हुए हैं और कैसे कैसे वो दिख रहे हैं। चलो चलते हैं। सिर पे केसरी फेटा और हाथों में भगवान ध्वज लिए सभी लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद शुरुआत हुई रथ यात्रा की, लेकिन उससे पहले हुआ शस्त्र प्रदर्शन। मान का सिर्फ पहला ही रथ निकला है, अभी ढेर सारे रथ बाकी है। ये एक ही रथ इतना ब्यूटीफुल था, सोचो बाकी रथ कैसे होंगे। ये था बाजी पासलकर का रथ जो स्वराज्य के पहले सर सेनापति बाजी पासलकर। इसके बाद अभी पीछे से और भी रथ आ रहे हैं, एक एक करके आपको सारे रथ दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ओके। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं।
तो ये थी एक छोटी सी झलक छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। और अगर आप इस साल यहाँ पे नहीं आ पाए हो तो प्लीज अगले साल जरूर विजिट करना, क्योंकि जितना मजा वीडियो देखने में है उससे कहीं ज्यादा मजा इसको एक्सपीरियंस करने में होगा, वो भी लाइव। सो दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोर।